ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग चुन्नी गजेंद्र के जय जोहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के 8वां दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। ए मौका में उमनहा 74 विद्यार्थी मल्ला गोल्ड मेडल और 75 विद्यार्थी मल्ला पीएचडी के उपाधि दें। राष्ट्रपति श्री कोविंद समारोह ला संबोधित करन कहिन कि शिक्षा के उद्देश्य केवल डिग्री पाना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। ए अवसर में राष्ट्रपति हा समाज सुधारक और सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास सुरता करत कहिन कि गुरु घासीदास मनखे मनखे एक समाज के आदर्श में चल के समाज लमा मेलजोल समरसता और सत्य के रद्दा में चले के संदेश दिन। श्री कोविंद केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा और शोध पर नवाचार के बढ़ाई करें। दीक्षांत समारोह ला संबोधित करत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा स्वर्ण पदक उपाधि पवैया विद्यार्थी मल्ला बधाई दिन। ओमन कहिन कि युवा मल्ला जतका जरूरत नवा संसाधन के है ओकर ले ज्यादा जरूरत उकर प्रतिभा ऊपर विश्वास जताए के है। मुख्यमंत्री कहिन कि अच्छा पढ़ाई ले अपन अलग महत्व है फिर गुण कौशल और विशेषता घला युवा मन पर कतको रद्दा खोलथे जेकर ले उमल्ला अपन आप ला साबित करे के अवसर मिलथे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौका में ए बच्छर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संग महिला और बाल विकास मंत्रालय मिलकर नई दिल्ली में स्वास्थ्य कल्याण और पोषण शिविर के आयोजन करते। सप्ताह भर के शिविर में आने आने मंत्रालय मन के महिला कर्मचारी मन के मधुमेह उच्च रक्तचाप खून के कमी और आने समस्या मन की जांच करे जाहे। शिविर के उद्घाटन करे के पहली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन हा बतैन है कि 20 बच्छर में जच्चा बच्चा मृत्यु दर में बड़ कमी आहे और इस सरकार इस दिशा में कतको ठोस कदम उठाते। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे हा आर्थिक सर्वेक्षण बच्छर 2019-20 सदन के पटल में राखे। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 92,413 रूपया ले बाढ़ के 98,281 रूपया हो गए है जोन पाछी बच्छर की तुलना में 6.35% ज्यादा है। उन्हें जीडीपी 2018-19 की तुलना में 3,04,063 करोड़ रूपया ले बाढ़ के 2019-20 में 3,29,180 करोड़ रूपया संभावित बताएगी से। इसने जीडीपी में 2018-19 की तुलना में 8.26% के बढ़ोतरी के अनुमान है। उन्हें विधानसभा में काली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अवैया वित्तीय बच्छर पर राज्य के बजट प्रस्तुत करें। बीजापुर जिला में 8 लाख रूपया के एक जन इनामी नक्सली हा पुलिस के आगू आत्मसमर्पण करे हैं। हमारे संवाददाता ने मिले जानकारी के मुताबिक इनामी माओवादी प्रशांत हा आज जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और डीआईजी कोमल सिंह के आगू आत्मसमर्पण करें। एवं माओवादी ओडिशा माड़ और झारखंड में लंबा बेराले सक्रिय रहे एक ऊपर हत्या लूटपाट सहित कतकुन गंभीर आपराधिक मामला में शामिल रहे के आरोप है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं बोर्ड के परीक्षा आज ले शुरू हो गए है। ए बच्छर 12वीं के परीक्षा में प्रदेश ले करीब 2,27,000 पढ़ैया लेखा में शामिल हुई। एकर बार राज्य भर में 2,303 परीक्षा केंद्र बनाए गए है जेमा ले 125 परीक्षा केंद्र संवेदनशील है। माध्यमिक शिक्षा मंडल डहर ले नकल रोके बर फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाए गए है। उन्हें 10वीं बोर्ड की परीक्षा काली 3 मार्च ले शुरू हुई। 10वीं की परीक्षा में 3,92,000 ले ज्यादा लेखा मन शामिल हुई। बस्तर जिला में आज हुए एक ठिन सड़क दुर्घटना में 3 लोगन के मौत हो गए। उन्हें 25 ले ज्यादा लोगन मन घायल हो गए। घायल मन ला डिमरापारा के एक ठिन अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उन्हें मिले जानकारी के मुताबिक कोडेनार थाना क्षेत्र के एक ठिन चार पहिया गाड़ी माड़वा गांव के कोतापाल साप्ताहिक बाजार जावत रही। इसी बेरा रायकोट की 3 गाड़ी नियंत्रित होके पलट गए। पुलिस घटनास्थल पहुंच के मामला की जांच करत थे। इति बालोद में चारपहिया गाड़ी के टक्कर ले एक जन युवती की मौत हो गई। घटना डोंडी लोहारा क्षेत्र के मथई के हरे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा लोक सेवा आयोग पीएससी डहार ले पाछू साल लेगे सिविल जज की परीक्षा ला सही बतावत मुख्य परीक्षा लेके आदेश दे है। मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन और न्यायाधीश पीपी साहू के डिवीजन बेंच और सिविल जज की परीक्षा रद्द करे के सिंगल बेंच के आदेश ला पलटत पीएससी ला नसीहत देहे कि ओमनहा अपन कार्यशैली और व्यवस्था में सुधार करे। बता दें कि सिविल जज की परीक्षा में पूछे गए सवाल मन ऊपर आपत्ति जतावत 9 छात्र मनहा याचिका दायर कर रही जेकर ऊपर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच परिणाम ला निरस्त करत परीक्षा रद्द करे के फैसला दे रही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इही सिरात है। जय जोहार।